सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट टू। हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डील करेंगे एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को विच इज फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हम लोग की ये जो सीरीज है वो डील करती है ऐसे कठिन क्वेश्चन को लेके जिसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एनटीए नेट का क्या पैटर्न है इन कठिन क्वेश्चन को पूछने का। उनको समझने के बाद हम लोग को एक अप्रोच पता लगती है कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनसे डरना नहीं है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ब्रेक डाउन करना है एंड अपने सही आंसर तक पहुंच जाना है। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, एंड एज आई सेड इट इज फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो हम लोग एक एक स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर हम लोग उसके आंसर तक पहुंचेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है, अनलाइक प्लेटो Aristotle considers that poetry at its best requires great skill and also differentiates between good and bad poetry on clear systematic aesthetic grounds. आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक सेक्शन जो बिल्कुल इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको मैंने रेड से रखा है एंड बाकी हम लोग ने ब्लैक से रखा है। तो ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट में बात तो आपकी अरिस्टोटल की गई है कि अरिस्टोटल एक अच्छी पोएट्री को क्या समझता है, कि उसके अंदर एक ग्रेट स्किल होनी चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि आपकी अच्छी और बुरी पोएट्री के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड उनको डिफरेंसेस को बताने के लिए वो कुछ सिस्टमैटिक चीजें भी हम लोग को बताते हैं जो हम लोग ने पढ़ा है। यहाँ पे अगर अरिस्टोटल ये बात कह रहा है तो प्लेटो को जबरदस्ती डालने की क्या जरूरत थी। एनटीए ने ये काम किया है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि ऊपर जब आपके दो राइटर्स के नाम होंगे तो आपको समझने में टाइम लग जाएगा कि मैं प्लेटो के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करूं या फिर अरिस्टोटल की। तो मैंने इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पे गूगल से ट्रांसलेट कराया है जिससे हम लोग को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। प्लेटो के विपरीत अरस्तु का मानना है कि कविता को अपने सर्वोत्तम रूप में महान कौशल की आवश्यकता होती है, जो कि होती है। देन और स्पष्ट और व्यवस्थित सौंदर्य आधार पर अच्छी और बुरी कविता के बीच अंतर भी करता है। आपके अरिस्टोटल ने अच्छी और बुरी पोएट्री के बारे में जो अपने पोएटिक्स में बहुत सारे रूल्स बताए हैं जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं उसको भी बताया है। तो पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से ट्रू हो जाता है और इससे हम लोग को ये चीज समझ में आया कि एनटीए नेट वाले बड़े चालाक निकले और ये जो प्लेटो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जरूरी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और स्टेटमेंट टू को देखेंगे। स्टेटमेंट टू कहता है कि अरिस्टोटल एक्सेप्ट प्लेटोस इनसाइट। अरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो के इस इनसाइट को एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी इमोशंस आर इंपॉर्टेंट टू पोएट्री बट रिजेक्ट प्लेटोस डिस्ट्रस्ट ऑफ द इमोशन। आपको बार बार दो राइटर्स के थॉट्स को देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अरिस्टोटल आपके प्लेटो के इस बिलीफ को तो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपको पोएट्री या फिर ट्रेजेडी या कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर लिखना है तो उसमें इमोशंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके अरिस्टोटल इस बात को विश्वास नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं प्लेटो के इस बिलीफ को कि इमोशंस इंसान को खराब कर देते हैं। आपने अगर प्लेटो के द रिपब्लिक को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्लेटो इमोशंस को बहुत ही खराब मानते थे। ठीक है, मैं हिंदी में एक बार आपके लिए रीड करूंगी। अरस्तु प्लेटो के इस अंतर्दृष्टि को स्वीकार करता है कि कविता के लिए भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भावनाओं के प्रति प्लेटो के अविश्वास को अस्वीकार करता है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू एंड आपको बहुत फनी लग रहा होगा इंग्लिश के इतनी स्टेटमेंट को हमारे जो हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं उसको इस तरीके से देखने में। इसको जानबूझ के मैं लेके आई हूं ताकि आप लोग समझो कि कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, बस उसको ऐसे दिखाया जाता है कि वो डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि कंफर्टेबल होते हैं, तो अगर आप किसी भी चीज कन्वर्ट करो हिंदी में तो वो जल्दी समझ में आती है। अब हम लोग का यूजीसी नेट तो ये हम लोग को फीचर प्रोवाइड नहीं करता है इंग्लिश लिटरेचर या आपके मेन सब्जेक्ट के लिए, लेकिन पेपर वन में आपको ऐसी सुविधा मिल जाती है जो मैंने अपने एग्जाम में खुद बहुत अप्लाई की है कि जब बहुत ही कठिन लैंग्वेज लिखी होती है तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का। आप उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो एंड आपका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाता है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, एंड क्योंकि हम लोग ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है थोड़ा
थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल में भी जाएंगे। प्लेटो जो द रिपब्लिक जिनका बहुत ही फेमस वर्क है उसके अंदर इन्होंने बात किया है पोएट्री के बारे में कि जो आपकी पोएट्री होती है ना वो इमिटेटिव होती है और मिमेटिक होती है। ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो मिमिसिस का इस्तेमाल किया है कि पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। उनकी आइडियल स्टेट में जो पोएट्री है वो रियल है लेकिन आपके पन्नों में जो पोएट्री है इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, वो तो मियर कॉपी है आपके नेचर की। एंड आपके प्लेटो बिलीव करते हैं कि पोएट्री हैड द पावर टू इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज पिटी एंड फियर। बेटा इस बात को यहाँ पे समझना, पोएट्री से सिर्फ पोयम का यहाँ पे रिलेशन नहीं है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर बी इट योर ट्रेजेडी या किसी भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो आपके इमोशंस को इवोक करता है इस जैसे कि पिटी और फियर, इसके बारे में आपके प्लेटो बोल रहे हैं कि जो पोएट्री होती है उसके अंदर ना पिटी डर की भावना, दया की भावना होती है, डर की भावना होती है, देन और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो कि बात सच है होती है। प्लेटो वॉज वरिड दैट दीज इमोशनल रिस्पॉन्सेज कुड क्लाउड रैशनल जजमेंट। आपके प्लेटो मानते हैं कि ये सब जो इमोशंस होते हैं वो कोई अच्छी चीजें थोड़ी ना होती है इंसानों के दिमाग में भरने के लिए। आप जब किसी के दिमाग में इमोशंस भर देते हो तो उनकी तार्किक शक्ति, जो रैशनल थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो उनकी खत्म हो जाती है। एंड इसी वजह से प्लेटो मानते हैं कि जो पोएट्री है वो करप्ट करती है हमारी सोसाइटी को। एंड आप जब रिपब्लिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये बात आपके मेन के रिलेशन में पड़ी है कि आजकल मेन को देखो शायरी पढ़ रहे हैं, पोएट्री पढ़ रहे हैं, एंड उनके अंदर जो करेजियस फीलिंग्स थी, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी जो एक मैन के अंदर होती हैं, वो अब फेमिनिन क्वालिटीज में बदलती जा रही हैं कि एक मर्द है उसको इमोशंस नहीं होने चाहिए। ये बात आपके प्लेटो ने बोली है, इसीलिए आपके प्लेटो सेंसर करना चाहते हैं कुछ टाइप की पोएट्री एंड आपके बैनिश करना चाहते हैं कुछ टाइप के पोएट्स को अपने आइडियल स्टेट से। इसका जवाब देते हुए इनके ही जो बोल सकते हैं अरिस्टोटल इनके ही स्टूडेंट थे, अपनी पोएटिक्स में उन्होंने बताया है बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं जिनको आपके अरिस्टोटल मानते हैं कि अच्छा अगर आपको ट्रेजेडी पोएट्री लिखना है, इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका वो जो वर्क है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। एंड ये हम लोग के स्टेटमेंट पे हम लोग को लेके जाता है कि अरिस्टोटल ने गुड एंड बैड पोएट्री के आपको बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ रूल्स दिए हैं जो कि दिए हैं। अरिस्टोटल अपने गुरुजी प्लेटो की इस बात से बिल्कुल असहमत थे और इनका ये मानना था कि इन हिज पोएटिक्स अरिस्टोटल प्रेजेंट्स अ मोर नुआंस्ड एंड अ पॉजिटिव व्यू ऑफ द रोल ऑफ इमोशंस इन लिटरेचर, रिकॉग्नाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन कल्चरल पोटेंशियल। आपके जो अरिस्टोटल हैं वो इमोशंस को इतना बुरा भला ना बोल के मानते हैं कि अगर आप एक वर्क लिख रहे हो अपनी ऑडियंस के लिए, उसमें अगर इमोशंस नहीं है तो ऑडियंस नहीं देखने वाली है, एंड ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए जरूरी है। एंड इसी के थ्रू इन्होंने एक टर्म भी दिया हुआ है कैथार्सिस, जो आपके अंदर एक पिटी एंड फियर को जन्म देता है जब आप किसी पर्टिकुलर ड्रामा को देख रहे हो, किसी पोएट्री को देख रहे हो, किसी मूवी को देख रहे हो। एंड इन्होंने बताया है कि अगर कैथार्सिस का इफेक्ट नहीं है आपके उस वर्क में, आपके उस वर्क को कोई नहीं देखने वाला है। भाई आप अपनी मम्मियों से पूछिए कि क्यों इतने आंसू बहते रहते हैं तब भी अनुपमा का इतना कठिन जीवन देखती हैं, या फिर किसी भी एक ऐसी सीरियल का मेजर कैरेक्टर देखती हैं जिसके जीवन में बहुत दुख है, क्योंकि उससे उनको एक बहुत ही परगेटेड फीलिंग होती है, क्लेंजिंग हो जाती है उनके दुख की। अपने ही जैसा दुख जब वो अनुपमा के जीवन में देखती हैं तो उनको फील होता है कि हाँ इसके आगे कुछ अच्छा हो सकता है। दिस इज व्हाट अरिस्टोटल इज ट्राइंग टू टेल कि पीपल टेक प्लेजर इन एक्सपीरियंसिंग इमोशंस थ्रू आर्ट इंक्लूडिंग पोएट्री, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर बिल्कुल डीप में जाके इन दोनों को, प्लेटो एंड अरिस्टोटल को, जरूर से पढ़ने भी वाले हैं। आपको अगर इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यू वांट टू प्रैक्टिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑल इन वंस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो जरूर से इसको जाके लो। आपको इंग्लिश लिटरेचर के जितने सेक्शंस हैं हमारे सिलेबस में वो बिल्कुल सेग्रीगेटेड एंड सॉर्टेड फॉर्मेट
फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी चीज का अगर आपको एक फ्री डेमो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे यही कुछ मिसलेनियस टेस्ट PYQs आपको फ्री में मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। डू लेट मी नो योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैनल। आपको जुड़े रहना है मेरे साथ मेरे यूट्यूब पे, देन मेरे टेलीग्राम पे, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक है वो आपको देना है। आगे आने वाले किसी भी टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हो एंड नहीं समझ में आ रहा है, आपका कोई सजेशन है, वो भी आपको कमेंट करके जाना है। आई होप ये वीडियो, ये सीरीज एंड ये इंटायर चैनल आपके बहुत काम आ रहा होगा। आगे इन स्टोर आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।